दिल्ली का मौसम एकदम बदल गया है। रोज़ बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश होती है, तो ऐसे में मन करता है ना पकोड़े खाने का। तो चलिए देखते हैं झटपट से, करारे से और बड़े क्रिस्पी से और चटपटे से पकोड़े कैसे बनाने हैं। झटपट से बस मन करे और फटाफट बना लीजिए। तो आलू को मैंने इस तरीके से काट लिया था और बेसन को मैंने घोल कर अच्छे से रख दिया है। हरी मिर्ची थी, इसको भी इसमें से चीर लगा कर रख दिया है। तो आलू को आपने लंबे लंबे पतले पतले काटना है। तो इस तरीके से हमारा बेसन भी अच्छे से बिल्कुल बढ़िया सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिर्ची में स्टफिंग भरेंगे, और बहुत ईजी क्योंकि हमने क्विक बनाने हैं। तो इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला, तो आप चाहें जो मसाला डालना है डाल लीजिए, पर चाट मसाला भी डालकर देखिएगा, बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। अब मैंने सारे आलू पानी में से निकाल लिए हैं, उसमें डाली है लाल मिर्ची, नमक और अजवैन। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको करने से क्या होता है ना, आलू अंदर से फीके नहीं लगते। अब हमने बेसन में नमक, अजवैन और लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी डाली है, और इससे क्या होगा, हल्दी से कलर बहुत अच्छा आएगा। तेल गरम हो चुका है, आलू को हम बेसन में अच्छे से लपेट कर और इसको फ्राई करेंगे। तो बढ़िया से हमारे बढ़िया से जो पकोड़े हैं ना, झटपट से बनने वाले, एकदम बढ़िया से क्रिस्पी से बन रहे हैं, खुशबू भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए मिर्ची को भी तल लेते हैं। तो मिर्ची को भी मैंने इस तरीके से बेसन में अच्छे से गोल गोल लपेट कर इसमें डाल दिया है, और मिर्ची के पकौड़े तो वैसे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहें अगर आपके पास उबला हुआ आलू है तो इसमें आलू की स्टफिंग भरिए, या जो भी स्टफिंग भरनी है वो भरिए, पर ये वाले भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए, बन गए हमारे बढ़िया से मिर्ची और आलू के पकोड़े। इसको हम खाएंगे मज़ेदार हरी चटनी के साथ, और हरी चटनी मैंने बनाई है धनिया और नींबू, इसमें प्याज डाला है, लहसुन डाला है और नींबू डाला है, साथ में थोड़ा सा नमक डाला है, और बन गई हमारी चटनी। इंजॉय करें।